फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्लावर वाला पिल्लो बनाना सिखाऊंगी। ये मेरे पास ऐसे ही एक बेडशीट पड़ी थी वेस्ट, तो हम इसमें से अपना फ्लावर का पिल्लो कट करेंगे और फिर मैं उसको आपको बनाना बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये मेरी बेडशीट है, ये वेस्ट पड़ी थी ऐसे ही, तो हम इसमें से अपना फ्लावर का पिल्लो कट करेंगे और फिर मैं आपको उसको बनाना बताऊँगी। सबसे पहले हम पेपर लेंगे, देखिए सबसे पहले हम पेपर लेंगे। पेपर को हम अपने राउंड शेप कट करेंगे, जितना भी हमें बड़ा चाहिए उसको हम राउंड शेप कट कर लेंगे पेपर पे ऐसे। ऐसे देखिए, पहले पेपर को मैंने पूरा न्यूज़पेपर ले लिया है, ये देखिए पूरा एक न्यूज़पेपर ले लिया है मैंने। फिर मैंने इसको ऐसे टू फोल्ड किया है, फिर मैंने इसको फोर फोल्ड किया है, फिर मैंने इसको इस कॉर्नर से इसको ऐसे मिला दिया है और हम इसको राउंड शेप दे देंगे ऐसे। अब हम इसको राउंड शेप देंगे, जितना हमारा ये यहाँ से है, ये हमारा 10.5 इंच है, हम 10.5 इंच यहाँ से ले लेंगे यहाँ से, और हम इसको यहाँ पे ऐसे करके और इसकी राउंड शेप कर देंगे ऐसे ऐसे, और हम इसको यहाँ से काट देंगे ये देखिए, हमने ये कट कर दिया और ये हमारी राउंड शेप, ये देखिए हमारी राउंड से, ये हमारी राउंड शेप बन गई है। अब हम इसी तरह से हम अपने इस पे रखेंगे, इस पे डबल करके हम अपनी इसको बेडशीट को, इसमें पहले से ये देखना फ्लावर बने हुए हैं, लेकिन ये मेरे कुछ काम की नहीं है, तो मैं इसमें से पिल्लो बना रही हूँ, फ्लावर वाला पिल्लो बना रही हूँ मैं इसमें से। मैं इसको ऐसे डबल करूँगी ऐसे डबल करके, और हम इसको इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे, राउंड में ही हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसके राउंड शेप कट कर लिए, दो पीस काट लिए हैं मैंने इसके राउंड में मेरे। अब हम इसको जो हमारा सीधा साइड है इसे हम अंदर कर देंगे ऐसे, सीधा साइड अंदर करके ऐसे इसको इक्वल बिछा के सीधा साइड हमने अंदर कर दिया है, और हम इसमें पूरे में राउंड में इसमें सिलाई लगा देंगे पूरे राउंड में, छोड़ना नहीं है हमें, हम इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे ऐसे, इसके इसको बराबर करके ऐसे ऐसे बराबर करके इसको, और इसके हम पूरे राउंड में यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। हमें सिलाई लगाती हूँ इसमें, देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है चारों तरफ, और हम इसमें यहाँ पे इसके चारों तरफ ही कट लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सीधा हो जाए। मैंने कट भी लगा दिए हैं पूरे में, अब मैं इसका सेंटर कर लेती हूँ। यहाँ से ये 20 इंच, यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 इंच, यहाँ पे आ जाएगा ये, और टेन इंच हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा सेंटर हो गया इसका। और हम क्या करेंगे, अब इसे सीधा करने के लिए हम यहाँ पे बीच में सेंटर में एक ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे कट मार देंगे ऐसे, और फिर इसको ऐसे करके यहाँ पे कट मार देंगे ऐसे, और यहाँ पे कट कर देंगे इसमें ऐसे, और अब इसको हम सीधा कर देंगे
ये देखिए मैंने इसे सीधा कर दिया है, यहाँ बीच में कट करके मैंने इसे सीधा कर दिया है। अब मैं इसमें कॉटन डाल दूंगी, मेरी कॉटन है, देखिए ये कॉटन है। अब हम इसमें कॉटन डाल देंगे ऐसे, देखिए मैंने इसमें कॉटन फिल कर दी है पूरे में, ये देखिए। अब जो हमारा ये जो हमारे हमने कट का निशान लगाया था यहाँ पे, तो हम इसे अब सिल देंगे, इसे यहीं से ही हम इसको ऐसे ही इसी शेप में हम इसको सिल देंगे। सबसे पहले हम यहाँ एक गोल सर्किल कर लेंगे, यहाँ पे एक गोल ऐसे एक सर्किल कर देंगे, गोल ऐसे ऐसे ही इस साइड कर देंगे इस सर्किल सेंटर में यहाँ पे। ऐसे फिर हम इसके सिक्स पार्ट डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, इक्वल इक्वल, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पार्ट हमारे ये हो गए हैं। अब हम इनको इसी तरह हम ऐसे कर देंगे इनको यहाँ पे, ऐसे सिक्स पार्ट हमारे ये हो जाएंगे, ऐसे इक्वल इक्वल करने हैं हमको ये सारे, ऐसे ही हम यहाँ पे कर देंगे। जिस हिसाब से हमने इधर किए हैं उसी हिसाब से हम इधर करेंगे। देखिए मैंने निशान लगा दिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स उस पर निशान लगा दिए मैंने। अब मैं अपनी नीडल में ढाका डाल दूंगी और इसके सेंटर में यहाँ पे, और मैं नीचे इसको बिल्कुल सेंटर में इसको निकाल दूंगी यहाँ से, ऐसे देखिए निकाल दिया है मैंने। फिर मैं इसको वापस करूँगी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके, और वहीं पे ले आऊँगी जहाँ से मैंने इसको डाला था। ध्यान से करें, निडल कहीं हाथ में ना चुभ जाए आपके में। और फिर हम इसको ऐसे खींच के, ये देखिए फिर हम इसको यहाँ पे इसमें डाल के ऐसे, और हम इसको टाइट खींच देंगे। देखिए इस तरह खींच के इसको ऐसे, ये हमारी ऐसे एक सेफ आ जाएगी इसकी फ्लावर की तरह ऐसे, और हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे टाइट सी। ध्यान से लगाएं कहीं आपके हाथ में निडल ना लग जाए, केयरफुली करें। ऐसे हम एक टाइट सी नॉट लगा देंगे इसमें, इसको ऐसे खींच के ऐसे, ये देखिए मैंने टाइट खींच दिया है इसको, और यहाँ पे एक नॉट लगा दिया टाइट सी, देखिए ये ऐसे आ जाएगा हमारा खींच के। अब मैं इसको फिर ऊपर की साइड ले लूँगी, ऐसे ये ले लिया मैंने इसे ऊपर की साइड। फिर मैंने जो सर्किल का निशान लगाया था वहाँ पे लूँगी, मैंने अपने इसके सिक्स पार्ट किए थे तो वन निशान मेरा ये रहा, और मैं वहाँ पे इसको ऐसे ऐसे कर दूंगी मैं इसको, यहाँ पे नीचे ले आऊँगी मैं इसे, और यहाँ पे भी इसे मैं टाइट खींच के लूँगी
और फिर मैं इसको वापस करूँगी इधर ही, इधर लूँगी वापस, यहाँ से ऐसे ऐसे खींच के, और फिर मैं इसको यहाँ पे करके इसको जो मैंने अपना वो निशान लगाया था उसमें मैं इसको डाल दूँगी। ये देखिए ये रहा मेरा निशान, ये जो मैंने लगाया था इसमें इसको ऐसे डाल के, और जो मेरा वो निशान था वो जो मैंने पहले लगाया था इसमें इस हिसाब से ऐसे, और इसमें ऐसे खींच के हम इसको ऐसे खींच देंगे ऐसे, इस तरह खींच के हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे, ऐसे खींच के हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे टाइट, जिससे कि यहाँ पे ही फिक्स हो जाए, टाइट खींच के इसकी फ्लावर की सेफ आ जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे इसको टाइट खींच दूंगी ऐसे, देखिए मैं एक नॉट और लगा दूंगी यहाँ पे, ऐसे फिर मैं इसे यहाँ पे ले आऊंगी वापस, ऐसे फिर मैंने जो दूसरा अपना निशान लगाया था यहाँ पे लेके जाऊंगी इसे, और फिर मैं यहाँ पे ले आऊंगी इसे। हमने इसके 6 पार्ट डिवाइड किए थे ऐसे, ये देखिए ऐसे मैं इसको यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे कर दूंगी मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसमें एक नॉट लगा दूंगी इसी तरह खींच के ऐसे, ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से ये 6 वो बन जाएंगे, इसकी कलियाँ सी बन जाएंगी ये 6। ऐसे ऐसे ही हम इसको पूरे को बना देंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये डिवाइड कर दिया है 6, उसमें 1 2 3 4 5 6 6 में मैंने इसे ऐसे डिवाइड कर दिया है। इसको देखिए ये फ्लावर की सेफ में आ गया है बिल्कुल, ये देखिए फ्लावर की सेफ में आ गया है ये। अब मैं इसके ऊपर देखिए मैंने इस ये बनाया है, इसको मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूँगी, और एक देखिए मैं आपको ये बनाना बताती हूँ कि इस किस तरह बनेगा। ये मैंने 2 पीसेस कट किए थे राउंड, एक मैंने ये बना लिया है, एक मैं आपको बनाना बताती हूँ कैसे बनेगा। देखिए ये 1 का तो मैंने ये बना दिया, 1 पीस ये रहा, मैं इसको बनाती हूँ, राउंड है ये मेरा कट, मैंने ये पीस राउंड कट किया है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम रनिंग स्टिच डाल लेंगे ऐसे अपने निडल में धागा डाल के, और इसमें ऐसे हम रनिंग स्टिच दे देंगे, ऐसे देखिए मैंने ऐसे इसमें रनिंग स्टिच दे दिए ऐसे। अब मैं इसमें कॉटन फिल कर दूंगी, ये रही मेरी कॉटन, अब इसमें हम कॉटन फिल कर देंगे ऐसे, कॉटन फिल करके हम इसको खींच देंगे टाइट। ये हमारा, ये देखिए हम इसको ऐसे टाइट खींच देंगे,
ऐसे, और यहाँ पे हम इसमें एक नॉट लगा देंगे, यहाँ पे इसमें हम नॉट लगा देंगे ऐसे। टाइट नॉट लगानी है जिससे कि ये बाद में खुले ना। यहाँ से इसको हम काट देंगे अपने थ्रेड को। ये देखिए ये बन गया हमारा ऐसे, देखिए ये बन गया। एक हम इस तार इस यहाँ पे सिल देंगे इसको ऐसे, ये देखिए इस तरह से, और एक हम यहाँ पे सिल देंगे इस तरह से ऐसे। थ्रेड में हम निडल में हम डबल थ्रेड लेंगे और हम इसको सिल देंगे। देखिए हम किस तरह से सिलेंगे इसको, इसमें पूरे में हम सिलाई लगा देंगे, हैंड से सिलेगा ये। ऐसे ही अंदर अंदर हम इसको ऐसे सिल देंगे। इस तरह से आप इसे चाहे तो पेस्ट भी कर सकते हैं फेविकॉल से या किसी से भी इसको चिपका सकते हैं, लेकिन मैंने इसे निडल से सिल दिया है। देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे इसको सिल दिया है, यहाँ से मैंने सिल दिया है ये ऐसे। अब इसी तरह से मैं इसको सेकंड को इसमें यहाँ पे रख के और इसी तरह मैं इसको सिल दूंगी। ये मेरा पिल्लू रेडी है। मैंने इसमें इसे बनाने के लिए अपनी वेस्ट पड़ी हुई बेड शीट यूज की थी। आप भी इसे ज़रूर बनाएं। अगर आपके पास भी कोई बेड शीट पड़ी है या कोई कपड़ा पड़ा है तो आप इसे ज़रूर बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि ये बेड शीट से ही बनाएं आप, अगर आपकी कोई पुरानी कुर्ती पड़ी है पुरानी तो आप उससे भी इसे बना सकते हैं। देखिए हम अपने घर में पड़ी हुई बेड शीट का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अब ये हमारा अच्छे से यूज में आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।